यार कितनी प्यारी जगह है ना। मैं तो पहली दफा आई हूँ किसी फॉर्म हाउस, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे हॉरर मूवीज याद आ रही हैं यहाँ देखकर। वैसे तो तुम बड़ी डिंगिया मारती थी कि तुम्हें हॉरर फिल्मों का बहुत शौक है और एडवेंचर का बहुत शौक है तुम्हें। मम्मी की कॉल है। जी अम्मी जी, हम लोग शाम तक पहुंच जाएंगे। अरे असल मजा तो इतवार को आता है फार्म हाउस में, कभी कभी तो जंगली जानवर भी आ जाते हैं यहाँ। मुझे तो डर नहीं लगता, तुम लोग डरते रहो। एक्सक्यूज मी। अच्छा। हेलो जी अम्मी। अम्मी मैं आलिया की अम्मी से आपकी बात करवा देती पर, लेकिन मगर मैं बाजार गई हुई है। चले ठीक है, ओके। अब अम्मी यहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम है तो रब्ता नहीं हो सकेगा, आप परेशान मत होइएगा। जी 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 ठीक है, अल्लाह हाफिज। कितनी झूठी हो तुम दोनों, किसी गोली देकर आई है घर पे? दोनों नहीं तीनों, इरम भी शादी की गोली देकर आई है। क्या करें यार, देनी पड़ती है गोली घर वालों को, वरना फार्म हाउस आने की इजाजत कौन देगा। यार ये जहांगीर कहाँ रह गया अब तक? अबे आ जाएगा यार, वो भी आ रहा है अपने किसी दोस्त के साथ बाइक पर। इतनी दूर बाइक पर? मैं तुम्हें तो पता है उसके मूड का, एडवेंचर का तो शौक है ना उसको। अबे यार अच्छा खासा किधर तो जोक का मसला है क्या है? जोक का मसला नहीं है, तेरी बाइक खत्म है, इसमें ऑयल वॉयल भी डलता है भाई, ऐसी नहीं चल जाती है। यार जहांगीर कब से पैदल चलते हुए आ रहे हैं, कोई मैकेनिक नहीं दिखा, वो लोग कब के पहुंच गए होंगे फार्म हाउस? अबे हम भी पहुंच जाएंगे, मुझे तो उसका दुख खाया जा रहा है, एंड टाइम पे धोखा दे दिया। वो देख मैकेनिक है मेरा ख्याल है। अबे मैकेनिक नहीं है, पंक्चर वाला है। चल चलें। और तू उनकी टेंशन नहीं ले, कब के पहुंच भी गए होंगे। आवाज देना इसे। हाँ भाई भाई मिट्टू इधर आना यार। मिट्टू नहीं कासिम मेरा नाम। अरे कासू भाई आप तो बुरा मान गए, हम तो प्यार से कह रहे थे यार आपको। कोई मैकेनिक वैकेनिक है यार यहाँ पर? मैकेनिक तो है लेकिन वो गया हुआ शहर, वो आएगा शाम तक। शाम तक? अच्छा तेरा बात तो सुन मेरी जान। देख अगर ये बाइक हम तेरे पास छोड़ जाए और तुझे पैसे दे जाए तो जब मैकेनिक आएगा तो तू बाइक ठीक करा देगा ना उसे? हाँ क्यों नहीं, पैसे दे जाओ बाइक सुबह स्टार्ट मिलेगी बिल्कुल। मसला ही हल हो गया, पैसे दे। काम कर ये ले कासू, जानू तू ऐसा कर ये रख, अगर कम पड़े ना तो जानू तू अपनी जेब से लगा देना, ठीक है ना? मैं वापस आके तुझे और भी दे दूंगा, ठीक है? हां बेफिकर हो जाओ, आई लव यू, आई लव यू, गाड़ी स्टार्ट मिलेगी। थैंक यू यार, थैंक यू। देख लेना जनाब, तस्वीर हो जाए आपके साथ। बिल्कुल आला बेहतरीन दादा, ठीक है मेरी जान। हां तो भाई शहबाज अब क्या करें, वो सामने चौक दिख रहा तुझे? हां वहां चलते हैं, गाड़ियां स्लो होंगी, जरूर कोई लिफ्ट मिल जाएगी। रुकी नहीं रहा, कोई जलालत आ गई। आगे चल बेटा आगे चल। यार तेरी वजह से ये सारा फाड़ी हुई है, ठीक है अब छोड़ ना यार। यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, क्या किया इंतजाम तुमने खाने वाने का? यार अभी वो लोग आ जाए तो किसी भी ढाबे से आके खाना लेके आ जाएंगे। यार गरम गरम चाय मिलने तो क्या बात है, चाय का सामान तो है, बना दो चाय की किचन में। चल इरम हम दोनों चाय बनाकर लाते हैं। Thank you.
यार और कितनी दूर चलना पड़ेगा तेरी उस लिफ्ट के लिए? मरवा दिया तूने यार जहांगीर कसम से। देख फार्म हाउस वो 4-5 किलोमीटर दूर है, मगर अभी थोड़ा आगे जाएंगे ना चुरंगी आएगी, उधर गाड़ियां थोड़ी स्लो होती है, वही किसी से लिफ्ट पकड़ लेंगे यार। यार एक बात बता, ये अपने पास कब आएगी 4 पहियों वाली सवारी? कब तक इस बाइक पे ख्वार होंगे यार? ऐसी लॉटरी में नहीं निकलती है मेरी जान गाड़ी, दम पकड़ना पड़ता है। पकड़ेगा दम? इतना हल्का भी मत ले तू मुझे, तेरे साथ बराबर मुंह दूंगा, पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं हूं मैं। बात करता है। चल भाई ठीक है, आज आजमा दे तुझमें कितना दम है। चल वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अंकल, एक्चुअली हमारी बाइक खराब हो गई थी और हम आगे जो है फार्म हाउस उधर जा रहे थे। आओ बैठ जाओ बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बेटा क्या करते हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं करते अंकल, बस अपनी लाइफ खुल के एंजॉय करते हैं। यार तुम लोगों को देख के अपने जवानी के दिन याद आ गए। अच्छा हाँ हेलो, कमाल करते हो यार। यार तुम अपने 50 लाख के लिए इतने बेताब हुए जा रहे हो? मैं हाईवे पे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ यार। यार आज ही की तारीख में तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। पागल हो गए हो? 50 लाख रुपए कैरी करके घूमूंगा हाईवे पर? ओके यार ठीक है, मैं पहुंच के रब्ता करता हूँ। अंकल गाड़ी साइड पे रोके। ये क्या कर रहे हो? मैंने बोला गाड़ी रोको, साइड पे लगाओ। और फुजूल में भागने की कुछ नहीं करना, गोली मार दूंगा मैं। बेटा 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 अंदर बेटा, बैठे सामान रख अंकल के सर पे। अंकल खामोश होके बैठे रहिएगा, बोलिएगा नहीं। बेटा बात मारो मुझे, मैंने क्या किया? कोई नहीं मार रहा आपको। मुझे क्यों मार रहे हो तुम? चुप हो गए बैठे। Thank you.
आलिया को पिक्चर्स भेज रही हूँ हमारी। हेलो आलिया, मैंने तुम्हें पिक्चर सेंड की, देखी तुमने? यार हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अगर तुम भी हमारे साथ होती ना तो हम लोग डबल मजा करते। दिल तो कर रहा है उड़ के तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, जब से कराची छोड़ा है बाहर ही निकलना नहीं हुआ। लेकिन देखो शाम से पहले घर पहुँच जाना। तेरी पिस्टल काम आ गई आज, सही टाइम पे दी थी तुमने। क्या? अच्छा बाप पकड़, मानता है ना, हमें क्यों रुकूं, अभी अपने पास रख। अच्छा बात सुन, अंदर मैं ये बोलूंगा अपने दोस्तों को कि ये तेरे अंकल है, हमारी बाइक रास्ते में खराब हो गई थी, इन्होंने हमें लिफ्ट दी है, थोड़ी देर इधर बैठ के वापस चले जाएंगे। और अंकल बात सुनो, अगर कुछ किया ना पीठ पे फायर मारूंगा, सीना फाड़ता हुआ बाहर निकलेगी। ये तेरे अंकल है, मैं बाहर जाके उनको बोलूंगा कि अंकल तेरे साथ आए, थोड़ी देर बैठे पानी वानी पी के चले जाएंगे। चल गेट पे देखना कौन है। हाँ हाँ तुम बैठी जलती रहो वहां पे, हम तो अभी यहाँ खूब एंजॉय कर रहे हैं। आ रहा हूँ यार। अबे तू तो बाइक पे आ रहा था, ये गाड़ी बताता हूँ। सुबह आ जाए अंकल। ये सब क्या है, कौन है ये लोग तुम्हारे साथ? अरे शहबाज तो मेरा दोस्त है ना भाई, हम दोनों साथ आ रहे थे बाइक पर, रास्ते में बाइक हो गई खराब, हमने बोला चलो थोड़ा आगे चल के लिफ्ट ले लेते हैं, जब लिफ्ट ली तो पता चला वो शहबाज के अंकल ही है, तो वो हमें छोड़ने यहाँ आ गए। क्या है भाई, अब ये लोग भी हमारे साथ पिकनिक करेंगे? अरे नहीं यार, अंकल की तबीयत खराब हो गई है, थोड़ी देर रुक के चले जाएंगे। तो क्या तुम्हारा दोस्त शहबाज यहीं रुकेगा? तो और क्या, मेरा दोस्त है, मेरे साथ आया तो मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन मुझे तो ये लोग शक्ल से ठीक नहीं लग रहे। अरे चिल करो यार, किसी की शक्ल से क्या पता चलता है कौन कैसा है, चिल करो एंजॉय करो, मैं अंदर सो के आता हूं, तुम लोग चिल करो ठीक है। देखो आखिर क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा, क्यों अगवा करके लाए हो तुम मुझे, मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। क्या दुनिया को बांट रहे हो, हमें डांट रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा अंकल। देखो अंकल, बस 25 लाख मंगवा दो तो मैं तुम्हारी गाड़ी समेत हाईवे पे छोड़ाऊंगा, कसम से। 25 लाख रुपए कहाँ से लाऊं मैं? अरे भाई तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं कोई सेठ वेठ नहीं हूँ, मैं तो एक तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ। अंकल पहली गोली मारूंगा तुम्हें यहाँ घुटने पर, और दूसरी मारूंगा तुम्हारे भेजे पर। अरे ये क्या कर रहे हो, कहाँ से लाके दूंगा मैं 25 लाख रुपए? देखो अंकल लगता है उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। देखो मुझे मारना मत, मैं वैसे ही हार्ट का पेशेंट हूँ। ड्रामा करता है, हार्ट का पेशेंट है। नॉट कर सर, नॉट कर। अच्छा अच्छा जहांगीर ये तो बेहोश हो गया भाई। भाई तो तुझे भी तो हल्का हाथ रखना था, पागल हो गया क्या? बोल रहे वो हार्ट पेशेंट है फिर भी तू मार रहा है यार। अरे तो उसके माथे पे लिखा था क्या हार्ट पेशेंट है? अब तू इधर बैठ, ये पकड़ इसको, मैं बाहर जाके उन लोगों को देख के आता हूं और इसको जगा।
ये लगा बम भाई, टे हो गया। ये चेक करो अब ये कैसे जाती है। ये किसको उठा के ले आए हो तुम लोग? अगर यही सब बदमाशियां करनी थी तो हम लोगों को क्यों बुलाया था? मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या चेक कर रहे हैं ये? अरे यार चिल करने आयो, चिल करो, एंजॉय करो, बाहर खेलो, उधर डब्बू खेलो, जाओ स्विमिंग पूल में नहाओ। मेरे दोस्त का मैटर है, वो टैकल कर लेगा, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाह भाई वाह, बंदा उठाकर लाए और कह रहे हो कि एंजॉय करो, ऐसे निकलोगे मुझे जरा अंदाजा नहीं था। धोखा दिया है तुमने हमें, हमें इसी वक्त यहाँ से जाना है। क्या दिमाग खराब है तुम लोगों का? बड़ी गलती कर दी तुम पर भरोसा करके। अरे यार थोड़ा सा सबर कर लो तुम लोग, बस आज रात ही की तो बात है, सुबह होते ही अंकल को भी छोड़ देंगे, हम लोग भी निकल जाएंगे यहाँ से। अब तो ठीक है ना? क्या ठीक है, पूरी रात खौफ से गुजारेंगे क्या हम? मैं अब्बू को फोन करके सब बता रही हूँ, कम से कम वो लेने तो आ जाएंगे। वो तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अंकल को फोन कर दोगे ताकि हम सब फंसे? यार अब जो हो गया सो हो गया, जहाँ गिर जाने उसका दोस्त जाने, हम क्यों अपना एंजॉयमेंट खराब करें? तुम सारे पहले मुझे मोबाइल दो अपना, इधर दो मोबाइल दो, अब जो करना है करो तुम लोग, अब खेलो जो खेलना है, जाओ एंजॉय करो, शक्ल क्या देख रहे हो मेरी, कुछ नहीं होगा। मैं आता हूँ यार। मायरा, अरे भाई चाय ठंडी हो रही है। ये बताओ इतना परेशान क्यों हो तुम? इरम का नंबर बन जा रहा है। अरे भाई कोई भी वजह हो सकती है, चार्जिंग खत्म हो गई होगी, शादी ब्याह का घर है, कुछ भी हो सकता है। तुम एक काम करो ना, रात को फिर ट्राई कर लेना। सुबह से उसका मोबाइल बंद जा रहा है, मेरी बात नहीं हुई है, मुझे टेंशन हो रही है। ओहो भाई तुम आलिया को कॉल कर लो, वो तुम्हारी रम से बात करा देगी। अरे हाँ ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई, आप एक काम करें मेरा फोन दें वहां से। हाँ भाई ये ले अपना फोन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आलिया? भाई बहन की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, मैं तो कह रही थी आप भी आ जाती ना, आप क्यों नहीं आई? अरे बेटा मैं कैसे आ सकती हूँ? तुम्हें पता तो है अगर मैं आ जाती तो इरम के अब्बू को खाना पीना कौन देता? खैर छोड़ो कोई बात नहीं, तुम जरा इरम से तो बात करवा दो मेरी, उसका फोन क्यों बंद जा रहा है? आंटी वो दरअसल क्या है ना कि कल रात भर लाइट नहीं थी तो इरम अपना सेल फोन चार्ज नहीं कर सकी, और बाकी बात यह है कि अभी इरम समरा ये सब अम्मी के साथ मार्केट गए हैं, आ जाएंगे तो फिर मैं बात कराती हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब वो आ जाए ना तो उसको कह देना उसकी अम्मी का फोन आया था, भाई वो तो वहाँ जाके मुझे बिल्कुल ही भूल गई है। जी आंटी बिल्कुल, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लो भाई तसल्ली हो गई तुम्हारी, चाय बिना वजह परेशान होती है। हाँ क्या हुआ? यार मुझे तो अंकल की बात ठीक लग रही थी, अंकल सेठ नहीं अंकल अकाउंटेंट ही थे। यार मुझे तो पहले ही अंदाजा हो गया था कि कंगला बंदा है, अगर मालदार बंदा होता ना तो फौरन माल निकाल देता। अरे यार अब इनका क्या करें, ये तो उल्टी आते गले पड़ गई यार। फिर मैं तो बोलता हूँ इन्हें ऐसी बेहोश छोड़ के निकल चलते हैं यहाँ से, चल। अबे पागल हो गया क्या, ये फार्म हाउस मैंने अपने नाम से बुक कराया है, मेरे गले पड़ेंगे सारी मुसीबतें। तो फिर ऐसा करते हैं इसकी गाड़ी में उसको डाल के हाईवे पे छोड़ देते हैं गाड़ी समेत, क्या बोलता है? हाँ यार शहबाज तू ये ठीक कह रहा है, देख रात होने वाली है और इसके सेठ ने ना जरूर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई होगी इसी गुमशुदगी की, हमें जल्द से जल्द ही मामला निपटाना होगा यार, चल आ जा। आज चल चल चलो अंकल, उठ जाओ छुट्टी हो गई, चलो चलो अंकल, चलो चलो अंकल, अंकल उठो यार, एक तो उसके नाटक खत्म नहीं होते यार, अंकल उठो, अंकल अंकल अबे इसकी सांस नहीं आ रही यार।
नब्ज भी नहीं चल रही। अरे क्या कह रहे हैं यार? अंकल 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 अंकल, अरे यार क्या हो गया भाई यार? अंकल अंकल उठो यार। अल्लाह रहम करे, पता नहीं आज की रात कैसे गुजरेगी। हमारे सारे फोन भी छीन लिए हैं, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, नंबर बन जा रहा है। समझ लो हमारे झूठ का भांडा फूटने ही वाला है। जब हमारे सेलफोन बन जाएंगे तो यकीनन घर वाले आलिया को फोन करेंगे। कब तक कवर करेगी वो भी हमें? आलिया बेचारी भी परेशान होकर हमें फोन कर रही होगी। पता नहीं क्या कर रहे हैं उस आदमी के साथ ये लोग। मुझे तो डर लग रहा है कि पुलिस ना आ जाए। ये अल्लाह बचा ले हमें। मैं कभी अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोलूंगी, उन्हें धोखा नहीं दूंगी। मेरे अब्बू तो इतना भरोसा करते हैं मुझ पे, अगर उनको पता चल गया तो। सारा एडवेंचर बढ़ गया ना दिमाग से। देखिए बाज, दिमाग को काबू में रख। हमारे साथ लड़कियां इस वक्त, और उनको गलती से भी भनक पड़ गई ना कि यहाँ पे लाश मौजूद है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देंगी वो। यार तो इस लाश का क्या करें? मैं तो कहता हूँ यही किसी गड्ढे में दफना देते हैं इसे। पागल हो गया क्या? गाड़ी का क्या करेंगे फिर? लाश और गाड़ी दोनों को ठिकाने लगाना होगा। अबे खड़ी कर देंगे कहीं हाईवे पे यार गाड़ी। हाईवे पे? पागल हो गया तू? हाईवे पे जाना मतलब पुलिस पकड़ाई जेल। तो यार क्या करें इस लाश का भाई? तू घबरा मत, सोचते कुछ करते हैं। तू यहां रुक, मैं आता हूं। मैं इंतजाम कर ही आता हूं, कुछ करते हैं करते हैं। रुक तू अंकल। खैर करे, क्या हो गया? हमका नंबर बन जा रहा है, यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ है। तीनों के नंबर एक साथ बन जा रहे हैं। क्या करूं, उसकी अम्मी का भी फोन आ रहा है बार बार। करूं कहीं अम्मी ना उठ जाए कहीं। खुदा खासा कुछ हो गया ना तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। ना मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी। अरे देखो तुम परेशान मत हो, बैठो बैठो शाबाश। आलिया मेरा फोन नहीं उठा रही और तीनों के नंबर बंद आ रहे हैं। अरे ते तीनों के नंबर एक साथ कैसे बंद हो सकते हैं? मुझे तो ये कोई गड़बड़ लग रही है। मारो और समरा का भी फोन बंद जा रहा है, उनके घर से फोन आ रहे हैं कि उन सबके नंबर्स बंद जा रहे हैं, और अब तो आलिया भी फोन रिसीव नहीं कर रही है। मुझे ना इरम की अम्मी को सबको सच बता देना चाहिए। हाँ ये ठीक है, वरना सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो। क्या करूं मैं? ठीक है मैं अभी हैदराबाद जाता हूँ आलिया घर, तुम मुझे आलिया का एड्रेस दो। लेकिन मुझे तो उसका एड्रेस नहीं पता क्योंकि मैं उसके घर ही नहीं गई कभी। तेरा शुक्र आलिया का फोन आ गया। रिसीव रिसीव करो। हेलो आलिया बेटा, तुम लोग कहाँ हो और तुम इतनी देर से मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हो और तीनों के नंबर क्यों बन जा रहे हैं? आंटी वो मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या हो गया बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है ना? और इरम का, इरम ठीक तो है ना? आंटी असल में बात यह है कि वो लोग यहाँ नहीं आई है। वहां नहीं आई तो फिर कहाँ चली गई? आंटी दरअसल तीनों मेरी बहन की शादी का झूठ बोलकर फार्म हाउस पिकनिक पर गई थी। फार्म हाउस? मुझे मुझे फोन दो। हेलो आलिया बेटा, देखो सच सच बताओ किसान क्या है? और ये कौन से फार्म हाउस में ये लोग? अंकल मुझे फार्म हाउस के बारे में तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन इरम ने मुझे फार्म हाउस की पिक्चर जरूर सेंड की थी। हाँ तुम जल्दी से मुझे तस्वीर सेंड कर दो बेटा। अंकल मैं अभी सेंड कर देती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बस दोस्ती निभा रही हूँ। बस बेटा दुआ करो सब खैरियत से हो।
जी अंकल जी, जरूर बिल्कुल, मैं अभी आपको पिक्चर सेंड करती हूँ। ना सब ठीक कह रहे हो तुम, हिम्मत करो। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये दोनों अंदर कमरे में अंकल के साथ। मेरा तो दिमाग खराब था जो मैं तुम लोगों की बातों में आ गई। अल्लाह क्या होगा यार। देखो अब तो मुझे भी गड़बड़ का एहसास हो रहा है, और ये दोनों मुझे भी आने तेरे कमरे में। अरे बाहर में डालो यार इन लोगों को, मैं तो कह रहा हूँ कि हम खामोशी से गाड़ी में निकल जाते। ठीक कह रहे रेहान, अब हम एक मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकेंगे, वो लोग खुद ही भुगतते रहेंगे। लेकिन गाड़ी की चाबी तो जहांगीर के पास है, और वो मुझे मालूम है मुझे गाड़ी की चाबी नहीं देगा वो। देख शहबाज, मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ अपने हवास काबू में रख यार, अगर हम लोग डर गए तो गए कहाँ से। देख मैं तो कहता हूँ उसको इसी चादर में लपेट कर इसी की गाड़ी में डालकर हाईवे पर छोड़ाते हैं, और वहां से अपनी बाइक लेकर निकल जाते हैं। डर के मारे तेरे दिमाग ने तो काम करना ही छोड़ दिया। अरे लड़कियां लाश देखेंगी तो चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएंगी, फिर हो गया काम। कितनी बार बताऊं तुझे मैं यार, तो अपने दोस्तों को बोलना कुछ देर के लिए इधर उधर कर दें लड़कियों को, हम मौका मिलते ही लाश गाड़ी में डालकर निकल जाएंगे यहाँ से। अरे नहीं यार, अंकल को रस्सियों से बंधा देखकर लड़कियां वैसे ही डर गई है। अबे क्या मुसीबत है यार। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मेरा तो ख्याल है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, पुलिस में इतना दे दी तो अपनी बदनामी होगी, जवान बच्ची का सवाल है। अरे तो इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा हल नहीं है। मेरे दोस्त का बेटा है पुलिस में, मैं उसे फोन करके यहाँ बुलवा लेता हूँ। हम उसे यहाँ बुलाकर एतमाद में लेते हैं, फिर सब कुछ बता देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी बुलाए ना उसे। देखें अंकल, तस्वीरों और फोन कॉल से लोकेशन का तो पता चल जाएगा, मगर अभी ये नहीं कहा जा सकता वो लोग वहीं मौजूद होंगे। क्या मतलब? मतलब ये है, बज़ाहिर ये किडनैपिंग का केस नजर आ रहा है, किडनैपर कभी भी एक लोकेशन पर अपने टारगेट को नहीं रखते। देखो बेटा, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में। अंकल आप फिक्र ना करें, जैसे ही मुझे पता चलता है मैं फौरन पुलिस पार्टी लेके पहुंचूंगा। देखो आफ्ताब, हम तुम्हारे कहने पे घर पे झूठ बोल के यहाँ आए, अब तुम ही हमें इस मुसीबत से निकालोगे। आखिर कब तक हम लोग यूं ही बैठे रहेंगे, कमरे में जाओ और जाकर जहांगीर से गाड़ी की चाबी लेकर आओ, देखो अब सुबह भी होने वाली है। हाँ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, सीधा सीधा अगवा का केस है, अगर पुलिस आ गई तो सबके सब लपेटे में आएंगे, वो भी खामखा। हाँ यार चलो, अब तो जहांगीर से चाबी लेनी पड़ेगी अगर हमें यहाँ से जाना है तो। चलो चलो। सब खैरियत है? जी जी सर, हम सब तो खैरियत से हैं, लेकिन वहाँ कमरे में कौन है? अंदर कमरे में दो लोग हैं, और उन्होंने किसी अंकल को अगवा किया हुआ है। आप इन्हें हिफाजत से घर पहुँचाओ और आप मेरे साथ अंदर आएं।